हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, आज फिर दोबारा आज आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं डाइवर्टर लेकर के। हम आज डाइवर्टर इंस्टॉल करने वाले हैं और आप लोगों को पूरा इसमें पूरा बताने वाले हैं कैसे कैसे इंस्टॉल करेंगे नहीं करेंगे। चलिए देखिए, हम अभी डाइवर्टर अपने हाथ में ले चुके हैं और टेप एंड टेप पहले एम टी में डालेंगे। पूरा जितना फोर है उसमें फोरों में अच्छे से टेप एंड टेप डाल देंगे और उसके बाद उसमें टाइट करेंगे। इलेक्ट्रिकल नौसाद भाई को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचते रहें। ये दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल नौसाद भाई। आप लोगों को डाइवर्टर, कैंसेल और अदर बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। नया वीडियो आने वाला है क्योंकि हमारा काम ही वही है। वर्किंग एरिया में जिस भी जिधर भी मैं काम करता हूँ वो आपके लोगों के बीच साझा या शेयर करना चाहता हूँ वीडियो को, आप समझ सकते हैं। देखिए टेप एंड टेप मेरा अभी रेडी हो चुका है और जो भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नया वीडियो के पास पहुँचता रहे और साथ में लाइक करना ना भूलें। चलिए टेप एंड टेप थ्री पीस हो गया, एक और पीस है, अब इसमें भी हम अच्छे से टेप एंड टेप डाल दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि टेप एंड टेप हो चुका है, अभी रेडी हो गया है। अभी इसको हम अच्छे से फिट टाइट करेंगे। पहले इसको हल्का कर चढ़ा दे रहे हैं, दो दो चुड़े थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं फोर चारों को। अभी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, चार होल दिख रहा होगा आप लोगों को डाइवर्टर में कौन क्या क्या चीज़ के, अभी आप लोगों को हम बताएंगे विस्तार से, वीडियो में बने रहें। अभी इसमें ये सलाक है, आप लोग सलाक भी यूज कर सकते हैं, चाहिए तो एम सील भी यूज कर सकते हैं। हम टेप्लांटे भी यूज किए हैं तो आप लोग धागा भी यूज कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप लोगों की अलग अलग चॉइस है, हमारा जो चॉइस है मैं वो यूज किया है, मुश्किल नहीं है। अभी इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे, चारों में सलाक डाल के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ये लीकेज की संभावना नहीं है, इतना जान लीजिए। सलाक के गैस्केट का काम आता है। देखिए हम चारों में कर चुके हैं और इसको हम अच्छे से अब मंकी प्लायर से अच्छे से टाइट करेंगे। हैंड से तो अभी फुल हम टाइट कर चुके हैं लेकिन इसको मंकी प्लायर से हम टाइट करेंगे अच्छे से। ओके, आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो देखिएगा, कुछ गलती वलती होगा तो मेरा कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा ताकि हम आप लोगों को कुछ हम बता सकें इसके बारे में। और इसके पहले हम ये डाइवर्टर के पहले हम पाइपिंग कर चुके हैं आधा, वो सी पीवीसी पाइप डाले हैं, पीवीसी पाइप डाले हैं पहले का, अभी ये सी पीवीसी इसका हम पाइप डालेंगे डाइवर्टर के लिए। तो मैं सोचा कि डाइवर्टर रखूँगा इसके लिए हम एक वीडियो आप लोगों को साझा कर दूँ, इसलिए हम एक वीडियो साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ डाइवर्टर के लिए। मतलब पीवीसी के लिए कुछ इशू नहीं था कि हम साझा करें आप लोगों के साथ। चलिए हमारा ये हो चुका है, अभी आज ये प्रोजेक्ट पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पीवीसी पाइपिंग ऑलरेडी हो चुका है, वो मैं किया हूँ पहले का। अभी हम सोचे कि डाइवर्टर रख रहा हूँ तो इसके लिए हम डाइवर्टर पे एक वीडियो बना दूँ, आप शेयर कर दो। देखिए हम मेजरमेंट टैप से अच्छे से टैप कर ले रहे हैं, इधर का भी मेरा टैप हो गया और इधर नीचे का भी 65 हो रहा है। ये भी ये पहले हम पाइप को कटिंग करेंगे, पाइप को हम कटिंग कर लिए हैं और कटिंग करने के बाद एल्बो लेंगे, एल्बो को हम अच्छे से इसमें ज्वाइंट कर देंगे। वो ब्रास एल्बो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग पॉइंट एल्बो बोलते हैं। हम अभी जहाँ पे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ये केरला है, केरला से लोग पॉइंट एल्बो बोला जाता है, हमारे यूपी हो, मुंबई हो, बिहार हो, उधर सब पूरा ब्रास सॉकेट ब्रास एल्बो बोला जाएगा, ब्रास एल्बो बोला जाएगा। देखिए ये शू बेंडर में हम लगा चुके हैं सी पी वी सी अच्छा से सॉल्वेंट लगा करके, अभी ये रेडी हो गया है। मैं एक उधर साइड में एक एल्बो डालूंगा तो मेरा वो रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसमें गम लगा रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, देखिए अभी वहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा क्योंकि नीचे हम लगा रहे थे, ऊपर कैमरा था, नीचे वाटर भी है,
इसलिए कैमरा हिलाना डुलाना भी थोड़ा दिक्कत है, आप लोग भी थोड़ा कष्ट रहिएगा। अभी आप लोगों को नीचे का हम लोग दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे हम। आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम नीचे अभी करेंगे, ऊपर रखा हूँ कैमरा को सेटिंग करके, अभी नीचे हम डालेंगे वो पाइप ज्वाइंट करने के बाद। आप लोग देख सकते हैं कि आप ज्वाइंट अभी हो चुका है, अभी नीचे आ जाइए। चलिए 5 सेंटीमीटर हो रहा है, सॉरी ये 27 सेंटीमीटर हो रहा है, इसको हम कटिंग करके डालेंगे। अभी हम कटिंग करने के लिए ये 65 हो रहा है, ये भी हम कटिंग करके डाल लेंगे। देखिए कटिंग करने के लिए हम एक आदमी को अलग से रखे हुए, मेरा हेल्पर है, वो कटिंग करके दे रहा है जब मांग रहा हो तो तुरंत, उस टाइम काम जल्दी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस टाइम वो कटिंग करके दे रहा है। चलिए हो चुका, अभी यहाँ पे हम डाइवर्टर रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा हम फास्ट बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग बोर ना हो, जल्दी आप लोग देख सके कैसे क्या हो रहा है। आप लोग कोई दिक्कत बता रहा हो तो कमेंट करके मेरे दोस्त साझा कीजिएगा, आप लोगों को बताने का मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। देखिए अभी ये हो चुका है, अभी देखिए ये ऊपर से ये फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे से फिर इधर जा रहा है वाटर, यहाँ से देखिए टी डाला है, टी से डाइवर्टर में जा रहा है ऊपर, वो हीटर पॉइंट है, आप लोगों का भी दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी देखिए आप लोगों को पूरा क्लियर दिखेगा इसमें, अभी देखिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। वो एक रखा हुआ है कैंसिल ऊपर ऑन ऑफ करने के लिए, पूरा वाटर या डाइवर्टर है, नीचे वाटर हीटिंग और कूल आएगा, ऊपर भी हीटिंग और कूल आएगा डाइवर्टर के माध्यम से, या वो गीजर पॉइंट है या डाइवर्टर।